ईशा गुप्ता बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक हैं। ईशा ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया तो प्रोड्यूसर ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया। फिल्म की शूटिंग तकरीबन ख़त्म होने वाली थी लेकिन प्रोड्यूसर इस जिद पर था कि कॉम्प्रोमाइज़ करो या फिल्म छोड़कर चली जाओ, तो ईशा ने फिल्म छोड़कर जाना ही मुनासिब समझा और फिल्म छोड़कर चली गई। बॉलीवुड की गलियाँ यूं ही बदनाम नहीं, आज भी यहाँ बहुत गैर इखलाकी काम किए जाते हैं जिन्हें सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। बॉलीवुड के काले चट्टे डिफरेंट समय पर हमारे सामने आते रहते हैं और इस बार ईशा जैसी बड़ी एक्टर ने इस बात का खुलासा किया है कि बॉलीवुड में मुझसे फेवर मांगी गई तो मैंने मना कर दिया, जिस पर प्रोड्यूसर की तरफ से फिल्म छोड़कर जाने का कहा गया। हाल ही में ईशा ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि मैं नाम नहीं लूँगी, एक फिल्म प्रोड्यूसर ने मुझसे फेवर मांगा था तो मैंने इनकार कर दिया और जिस वजह से मुझे फिल्म के दरमियान ही छोड़कर जाना पड़ा। ईशा का मजीद कहना था कि मैंने लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि ईशा जब डिमांड्स पूरी नहीं कर सकती तो फिल्म में काम करने का हक भी नहीं रखती। ईशा का कहना था, ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ईशा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने जन्नत 2, राज 3, कमांडो 2, टोटल धमाल और हम शक्ल जैसी फिल्मों में काम किया है। ईशा हेराफेरी 3 में भी नज़र आने वाली हैं। तो दोस्तों, ईशा जैसी एक्ट्रेस के साथ ऐसा गलत काम करने की कोशिश की जा सकती है तो आम लड़की की क्या बसात है।